गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो मैं आज आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, जो आप लोगों को आज ज्ञान मिलेगा हेल्थ के ऊपर में मैं जानकारी देने वाला हूँ। आदमी के स्वास्थ्य कैसे रहना चाहिए, कौन सा और नियम है जो पहले आदमी 3000 पहले साल पे नियम अपना कर आदमी को बीमार नहीं होता था। 100 साल 150 साल जो जिंदा था कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। आज के डेट में क्या हो रहा है, आदमी को खुद कम उम्र का आदमी को प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। कितना कम उम्र आदमी के 30 साल के आदमी को डायबिटीज, प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम, ये क्यों हो रहा है? हम लोग पतली भजा वस्तु खा रहे हैं, ये खाने से क्या होता है, हमको क्या शरीर में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो जो मैं वीडियो आपको देने वाला हूँ, ये वीडियो आप पूरा फुल अंतर देखिएगा, जरूर देखिएगा। और हो सके इस वीडियो से, इस मेरे बात से, इस मेरे ज्ञान से आप लोग का जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो जो मैं जानकारी देने वाला हूँ, आप मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सुबह उठ के जब आप लोग उठिएगा ना, तो 2 गिलास हल्का सुसुम गर्म पानी आप लोग पीजिएगा। आप पानी हमेशा बैठ के एक घोट घोट पीजिएगा, तो क्या उससे क्या हो जाए, जो मुंह का लार होता है ना वो भीतर जाके सब निकल जाएगा, गंदगी साफ हो जाएगा। और हाँ, सुबह सूत उठ के आप जितने मैंने आप चलते पैदल चलिएगा, घास के ऊपर में चलिएगा, उसका जो पानी आपको मिलेगा उससे आदमी को बहुत प्रॉब्लम सोल्व होता है। जैसे डायबिटीज का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, आंख का प्रॉब्लम, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, और जो भी प्रॉब्लम हो आदमी को अगर चलने से बहुत प्रॉब्लम सोल्व होता है। और हाँ, और आदमी को सुबह हमेशा ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन करने से ध्यान मन एकाग्रता रहता है, कोई मन क्या टेंशन नहीं होता है, टेंशन फ्री होता है आदमी। और हाँ, सुबह खाली पेट में कहीं भी आप लोग दूध चाय मत खाइए, दूध मत खाइए। और दूध क्या, दूध खाने का नियम रात को है, सुबह नहीं है। दूध चाय खाने के रात दूध चाय कभी मत खाइए, और दूध चाय जलन का सामान है, गैस बहुत उत्पन्न करता है आदमी को। और खाली पेट में मसालेदार सब्जी मत खाइए, मसाला मत खाइए, मैगना मत खाइए, कुसु मत खाइए, ये सब मसाला ये मसाला कभी भी खाली पेट में मत खाइए आप लोग। सबका नियम है, और सब खाने से क्या प्रॉब्लम होता है। और हाँ, खाना खाने के 1 घंटा पहले आप जितना हो सके पानी पी लीजिए, पानी हमेशा बैठ के पीजिए, घोटी घोटी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग पानी खड़ा खाना जब पीने से क्या हो, उससे हम पानी हम सही में नहीं रहता, सब निकल जाता है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर बैठ के पीने से हमको बहुत लाभ होता है। और हाँ, पानी हमेशा भात खाने के खाना खाने के 1.5 घंटा बाद पीजिए, 1.5 घंटा बाद पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम लोग खाना खाने के पहले यदि पी लेना लगा लगे से क्या होता है, हम सही में उठे ऊर्जा आग उत्पन्न होता है, और जो खाना जो हजम करने के लिए क्या करता है और काम करता है। इससे आग और पानी का मेल नहीं है, ठीक उसी प्रकार हम लोग शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है उसका कोई मेल नहीं है। जब पानी लगा लगे पीने से उसमें क्या होता है, हम लोग खाना हजम नहीं होता, खाना सहने लगता है, उससे हमको गैस उत्पन्न होता है, इसलिए बीमार बिस्सी हो रहा है। तो खाना खाने के 1.5 घंटा बाद पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जितना हो सके खाना आप लोग सुबह खा ले, भर पेट खाना खाइए। आदमी क्या करता है, जो भूल करता है आज के डेट में, आदमी हमेशा सुबह नाश्ता कम करता है, दोपहर में ज्यादा खाता है, रात को और ज्यादा खाता है, उससे आदमी की बीमारी इसलिए बेसी उत्पन्न हो रहा है। जो हम लोग जानकारी मिला, जो 3000 साल पहले आदमी जो खा रहा था, सुबह हमेशा जानवर पक्षी सबको क्या करता है, सुबह भरपेट खाना खाता है कि नहीं, वो खाने से उसका कोई आजकल जानवर का कोई बीमार नहीं है, बंदर का कोई बीमार नहीं है, लेकिन आदमी के इतनी बीमार क्यों हो रहा है, उसका कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवा नहीं है, वो एकदम स्वास्थ्य है, हम लोग का क्यों ऐसा बीमार उत्पन्न हो रहा है। तो हम यही बहुत जानकारी देने जा रहा हूँ, हम खाना हमेशा सुबह भरपेट खाना खाइए। और खाने में आप लोग नींबू का रस पीस कीजिए, नींबू पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नींबू के पानी से आदमी को बहुत सही अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और दोपहर में खाना कम खाइए, और रात को खाना खाने के 2 घंटा पहले खाइए। अगर मैं 2 घंटे पहले खाना खाऊंगा तो मेरा क्या होगा, शरीर में अच्छा से हजम होगा। अगर खाना खा के आदमी क्या करता है, खाना खा के सबसे पहले सो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे क्या होता है, उसका हजम नहीं होता है, तो उसके नाम के बीमार होता है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, और जैसे मैं बोला दूध कब खाना चाहिए, दूध हमेशा रात को खाना चाहिए, दही सुबह खाना चाहिए, और दोपहर में छाछ पीजिए, लस्सी पीजिए, और फ्रूट्स हमेशा सुबह खाइए, फल हमेशा सुबह खाना चाहिए। सबका नियम है, ये जानकारी जो हमको मिला है आप लोगों को दे रहा हूँ, मैं आपको खुद बना के नहीं बोल रहा हूँ, जो नियम चलते आ रहा है आयुर्वेदिक चिकित्सा जो ट्रीटमेंट है वो सब करने से आप लोगों को बहुत समस्या समाधान होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को, भाई के लिए बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का कारण क्यों है, जो मेरे ज्ञान मिला है ट्रेनिंग करने के वास्ता मैं आप लोगों को देख बता रहा हूँ, ताकि आप लोग का बीमार ना हो, इतना पैसा खर्च ना हो।
यही मैं चिंता करता हूँ। और हमेशा सोने का समय हमेशा आपको लेफ्ट हैंड में सोना चाहिए, कहा हम अमावस्या या फिर यहाँ में है। और हमेशा क्या लेफ्ट हैंड सोने से क्या होता है, उसका हजम अच्छा होता है। और पानी हमेशा आदमी को एक घंटा बाद में पीना चाहिए, उसके कारण हम लोग का पानी, हम लोग का शरीर 70% पानी से तैयार किया हुआ है, ब्रेड 75% पानी से तैयार किया हुआ है, हमारे शरीर में जो कोशिका हड्डी है वो सब क्या पानी से तैयार किया हुआ है। अगर पानी नहीं पियेंगे तो बीमार बहुत ज्यादा होगा। हम लोग क्या करना चाहिए, पानी हमेशा पीना चाहिए, एक घंटा बाद में एक घूट एक घूट पानी पीना चाहिए। और हमें और मांस मछली अगर हम लोग कम खाएं तो उससे क्या होगा, मसालेदार सब्जी कम खाए, मसाला कम खाए, मांस मछली कम खाए, उससे हम लोग शरीर में बहुत क्या रिलीफ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। कहीं लीवर है, सब लोग मेन क्या है लीवर किडनी है, अगर किडनी लीवर अगर हजम नहीं करेगा अच्छा से तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। अगर कोई भी सामान का लिमिट है और खाना हमेशा चबा चबा के खाइए, पूरा घोल मिला के खाइए, तभी हमारा खाना हजम होगा। आप लोग नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा मांस मछली खत्म कर दिए। और हाँ, रिफाइंड तेल, हम मेरा खाने का मतलब रिफाइंड तेल मत खाइए, रिफाइंड तेल खाने से खून गाढ़ा करता है, उससे सेल डैमेज होता है, खून गाढ़ा करने से हार्ट का प्रॉब्लम आदमी की बहुत हो रहा है। आज भारतवर्ष में 33 सेकंड में एक आदमी का मौत हो रहा है हार्ट अटैक से, एक साल में 3 करोड़ आदमी का मौत हो रहा है हार्ट अटैक से। ये बीमारी इतना तेजी से फैल रहा है क्यों, ऐसा हम लोग नाना प्रकार के किए हजार वस्तु खा रहे हैं, समस्या समाधान खुद को खुद क्या आन रहे हैं, प्रॉब्लम खुद पा रहे हैं। जबकि मैं ये जानकारी मैं इसलिए दिया था कि आप लोग, और अगर आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग ये सिस्टम हमेशा फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा, बीमार कभी भी आपको उत्पन्न नहीं होगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, मेरा बात सुनकर और आदमी को अच्छा हो सके और समस्या समाधान हो सके। और ठीक किसी को उसी प्रकार, मैं नाम पप्पू कुमार सिंह है। अगर हाँ आप लोगों का कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करता हूँ, आदमी को आयुर्वेदिक चिकित्सा करता हूँ, तो आप लोग मैं इस नंबर से मैं नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं 9365573846। धन्यवाद।